तक श्रद्धालु काफी आए थे, मगर ये देखे मोमबत्ती वगैरह, ये जी बहुत ठंडा है ना नहर के। नमस्ते जय श्री राम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक और स्टॉप पे मैं यहाँ पे अभी पहुँचा हूँ, रुक स्टेशन की जानकारी थोड़ी सी ले रहे हैं। वहाँ पे एक स्थान है, बहुत ही ज़्यादा महान स्थान है, भगत कंवर जी वहाँ पे जो कि शहीद हुए थे, वो स्थान वहीं पर है। वो भी हम आपको विजिट करवाने के लिए जा रहे हैं अभी। वो भी हमें इतनी तो खैर जानकारी नहीं है, इस चौक पे हम अभी मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, और इसी जगह पे हम किसी भाई से पूछेंगे रुकन स्टेशन जो कि कहाँ पे है, कौन सी साइड पे है। पूरा इलाका ये देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक सहरा इलाका है, ये देखें काफ़ी हद तक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब इलाका है यहाँ का, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हद तक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, भगवान ख्याल करें। बाकी चलते हैं, किसी से पूछते हैं, मालूम लेते हैं रुक स्टेशन कहाँ पर है। सो साइड का कुछ इस टाइप का व्यू है इस इलाके का, ये देखें। ये कौन सा चौक है, कोई नाम का पता है? इसका पता नहीं यार, इसका पता नहीं है। हाँ, कोई भी हमें नहीं बताने जा रहा है इस चौक का क्या नाम है। मालूम बात करते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं, फोन कर ले वहाँ पे खड़े हुए उनसे जा के पूछते हैं। चलो भाई चलते हैं उस अंकल से पूछते हैं, मालूम करते हैं। देखें काफ़ी हद तक ये देखें ओल्ड, ये क्या है, ये अभी भी चल रही है। हाँ, चटांगा घोड़ा है या कौन सा दूसरा है, गधा गाड़ी है। अंग्रेजी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहाँ पे रुकन स्टेशन कहाँ पे है? स्टेशन इधर है, वो वाली रोड जाएगी ऐसे, ये जाएगा ये वाला अंदर की तरफ। कितना दूर है? अच्छा, क्लोज में है, नजदीक है। और वहाँ से अपना बागड़ जी का रोड कौन सा निकलता है? ये वही निकल दो, यही निकल दो। चलो मेहरबानी, सो थैंक यू अंकल जी, मेहरबानी। तो अंकल जी ने हमें एड्रेस दे दिया, अब हम निकल रहे हैं आगे, रुकन स्टेशन आपको दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं चल के आगे। फ्रेंड्स, रुकन स्टेशन जाने से पहले हम लोग आपको कुछ विजिट करवाते चाहते हैं। रुकन पुल ये है, जो पुल बनी हुई है ये देख सकते हैं आप, ये पानी रोकने के लिए कुछ इस टाइप का ये देखें बना हुआ ये, और पानी कितना हद तक तेज़ चल रहा है ये देखें, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा है। देखें कोई भी गिर गया समझ लेना दूसरी साइड से निकल गया, कैसे उस साइड से, वो देख रहे हैं आप सामने बनी हुई नहर बहुत ही ज़्यादा बड़ी, ये देखिए ये इसके ज़रिए यहाँ से निकाले जाते हैं, ये देखिए लोहे के रस्से बने हुए, ये देखिए काफ़ी हद तक विशाल और मजबूत। तो चलते हैं उस साइड से भी हम आपको विज़िट करवाते हैं, उस साइड वो साइड भी हम आपको दिखाते हैं, और इस साइड से ये होटल बने हुए ये सारे रिफ्रेशमेंट के लिए, ये देखिए, और इस साइड से ये देखें पानी का बहाव कितना तेज है। काफी हद तक खूबसूरत पेड़ लगे हुए, ये देखें नीम के दरख्त, ये देखें काफी हद तक खूबसूरत लग रहे हैं, गर्मियों की एंजॉयमेंट सही हो रही है। फ्रेंड्स, इतना मुझे ट्रैवल करने के बाद हमें जो कि प्यास लगी है, और यहाँ का नलका कुछ इस टाइप का ये देख सकते हैं आप, नीचे से बिल्कुल कमज़ोर है, ऊपर से फिर भी है थोड़ा सा, जान है बच्ची है, ठीक है, ये देखिए नीचे से कमज़ोर है, बनाइए। ठंडा है जी, बहुत ठंडा है, सही है, पीने जैसा है ना नहर के, पानी भी मीठा है। रुक स्टेशन ट्रैवल करने के बाद हम आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं।
ये वो स्थान है जहाँ पे कंवर भगत जी को शहीद किया गया था, ये वो स्थान है। तो हम आपको इसका अच्छे से विजिट करवाते हैं। ये देख सकते हैं काफी हद तक मतलब कि सहराई इलाका, ये सारा ये देखें जंगल टाइप था आज से कुछ 100 साल पहले, जब कंवर भगत जी जो कि यहाँ पे शहीद हुए थे यहाँ पे उन पे फायरिंग की गई थी। ये देखें ये उस वक्त जो कि ट्रेनें वगैरह ये जो चलती थी, अब तो खैर नहीं चलती, ये बंद है सारा कुछ। ये देखें स्टेशन, ये इस जगह पे ट्रेन वगैरह चलती है पहले, अब नहीं चलती। ये देख रहे हैं काफ़ी हद तक ये ओल्ड, उसी दौर का मतलब उसके बाद कभी यहाँ पे ट्रेन वगैरह जो कि नहीं चली। देखें और इस साइड से आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये जंगल वगैरह ही नज़र आ रहा है। जय श्री राम। और इस जगह पे जो कि मेला भी हर साल ही धूमधाम से होता है, काफ़ी सारे यात्री जो कि यहाँ पे भी आते हैं श्रद्धालु इस स्टेशन पे। और इस साइड से भी देख सकते हैं आप काफी हद तक जंगल है ये। ये समाधि है या क्या चीज़ है ये तो हमें इतना मतलब जानकारी नहीं है इस चीज़ की, जो भगत कंवर राम जी के याद में यहाँ पे जो मतलब के दीप वगैरह जो कि जलाए जाते हैं, मोमबत्ती दीप वगैरह दी जाती है। ये देखें काफी हद तक श्रद्धालु काफी आए थे, मगर ये देखें मोमबत्ती वगैरह ये वो और मतलब के प्रसाद वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए काफी हद तक ये देखें ये वो जगह है। इस जगह पे भगत कंवर जी जो कि शहीद हुए थे, नलको लगा लो ना जो पानी देती है, पानी वाला नलका कहाँ पे? इधर ही था पहले, अभी तो तोड़ दिया गया है मेरे ख्याल में। इसके क्लोज में पानी वाला नलका भी था, वो भी निकाल दिया। आमीना बोले लगे। इस साइड से? इस साइड कंवर राम उतरा था यहाँ से जब मतलब के अच्छा ट्रैवल कर रहा था, सफर कर रहा था, ट्रेन के ऊपर आया था और मतलब पानी पीने के लिए यहाँ पे उतरा था और यहाँ पे ही मतलब कि एक नलका लगा हुआ था, पानी पीने के लिए यहाँ पे उतरा और इस साइड से जो कि फायरिंग हुई थी, इस साइड से फायरिंग हुई थी और वो यहाँ पे खड़े हुए थे और यहीं पे पानी पीते हुए ही शहीद हो गए थे। ये वही जगह है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ सारा कुछ जो कि मिट गया, ये देखें लिखा हुआ था पहले काफी हद तक लिखा हुआ होगा, मिट गया ये सब कुछ, नहीं कुछ भी वाजे नहीं है, क्लियर नजर आ रहा कुछ भी। सर ये सारा टोटली जंगल ही है। वैसे मैंने तो वीडियोस में बताया कि ये ट्रेन वगैरह नहीं चलती यहाँ पे और काफ़ी मतलब वो वहाँ पे देख रहा हूँ पैसेंजर वहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी वहाँ पे और टिकट घर भी ओपन है वहाँ पे, मतलब कि ये देखें मोटर बाइक्स वगैरह यहाँ पे लोग आ जा तो रहे हैं, मतलब ट्रेन चल रही है ना, चल रही है ट्रेन। और आप देख सकते हैं मतलब मैंने तो वीडियोज़ में बता दिया क्योंकि मैं स्टेशन की कंडीशन के हिसाब से मैंने बता दिया था कि ट्रेन वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं चलती और आप देख भी सकते हैं मतलब कि पटरी पटरी जो है ये अच्छा ये साइड खत्म है, इस साइड पे चल रही है, सही है। मैं पटरी की कंडीशन चेक कर रहा था, मैंने कहा यहाँ पे तो ट्रेन वगैरह तो नहीं चल सकती क्योंकि सामने भी मतलब ऐसे ही मतलब इस पे कौन ट्रेन चलाएगा, पागल है, कितनी हद तक बुरी हालत है। इस साइड से मतलब न्यू ओपनिंग हुई है इस साइड पे पटरी की, ये देखें ट्रेन की पटरी की इस साइड से न्यू ओपनिंग हुई है और इस साइड से मतलब ट्रेन जाती है, एक ही ट्रेन चलती है, पहले तो मतलब दो ट्रेनें थी और इस साइड से वो चलती थी, अब एक ही है वो इस साइड से चल रही है।
ये ट्रेन जो कि बंद हो गई है, अब इस साइड से कोई ट्रेन नहीं आएगी। वो काफी अर्से पुरानी वहाँ पे वो वहीं पे खड़े हुए हैं, ये देखिए डिब्बे खाली। बहुत ज़्यादा मतलब विशाल जगहें के हमने आपको विजिट करवाया, आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसी विशाल जगहें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ध्यान रखना। ओके बाय, टेक केयर।